सुनिए जी, मैं आगे और पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं SDM बनूं और देश की सेवा करूं। ये कहानी एक छोटे से गरीब परिवार के पति पत्नी से संबंधित है, जिसमें पति ने कड़ी मेहनत मशक्कत करके अपनी पत्नी को SDM के पद तक पहुंचाया और पत्नी ने SDM पद पाते ही अपने पति को छोड़ दिया। इस कहानी का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सुनिए जी, मैं आगे और पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं SDM बनूं और देश की सेवा करूं। ठीक है, मैं पिताजी से बात करता हूँ। अरे सुनती हो? हाँ? तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए पिताजी मान गए हैं। सच में? अब मेरा सपना पूरा होगा, अब हमारी जिंदगी में कुछ दिन बाद खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ठीक है, चलो कल तुम्हारा एडमिशन इलाहाबाद में करवा देता हूँ। ठीक है। एक काम करो, तुम जाके पढ़ाई करो, आज से सारा काम मैं कर लूँ। ठीक है। सुनिए, मेरा एग्जाम आने वाला है और मुझे और मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सुनिए जी, मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं पास हो गई हूँ। अब मैं SDM बन जाऊंगी। तू ही मेरा गुरूर, तू ही मेरा सांसों की चिलमन में बसते हो। और हाँ, आज मैं घर लेट आऊंगी, आप खाना खा लीजिएगा। इन सांसों की चिलमन में बसते हो मेरे मन में, तुम हो दिल में धड़कन में ओ सजना, तुम हो दिल में धड़कन में, तुम हो दिल में धड़कन में ओ सजना, तुम हो दिल में धड़कन में। मेरी वफा के बंधन में बसते हो मेरे मन। मुझे गांव में कुछ काम है, हो सकता है 2-3 दिन भी लग जाए, तो मैं काम करके फिर आता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। धड़कन में तुम हो दिल में धड़कन में ओ सजना, तुम हो दिल में धड़कन में। हेलो, आपका काम हो गया है, अब आपको आने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं वापस चला जाता हूँ। तेरा ही तेरा ही तेरा ही तेरा रहा है।
रब ये जाने तेरा चेहरा देखूं तो ही चैन आए, दिल ने मान लिया बिन तेरे अब तो जिया न जाए। आप तो कल आने वाले थे ना? ये कौन है? ये मेरे दोस्त हैं। इसके पहले तो इसके बारे में कभी नहीं बताया, और दोस्त है तो वहाँ क्या कर रहा है? देखो बात को समझो, वो हमारे सीनियर हैं। तुम बार बार बात बदल रही हो, मैं सब समझ गया ये कौन है। देखो तुम लिमिट से बाहर जा रहे हो, अपनी औकात मत भूलो। औकात? किस औकात की बात कर रही हो? ये जो तुम्हारी औकात है ना, मेरी देन है। देखो तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम चुप रहो, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हाँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें 2 मिनट में अंदर करवा सकती हूँ। अगर मैं तुम्हें इस लायक बना सकता हूँ तो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा भी दिलवा सकता हूँ। मैं सर 2009 में पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद 2010 में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरी पत्नी आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। उसके बाद मैं उसे लेकर इलाहाबाद चला आया। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे आगे पढ़ा सकूं, लेकिन मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया और 2016 में वो SDM बन गई। और उसने भी इस चीज़ को माना कि मेरे सफल होने के पीछे मेरे पति और मेरे परिवार का हाथ है। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी बन गई है कि हम लोग दहेज उत्पीड़न का मामला झेल रहे हैं। अब आप ही लोग हैं मेरा सपोर्ट करने के लिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात PCS अधिकारी ज्योति मौर्य इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। उनकी चर्चा तब शुरू हुई जब उनके पति आलोक ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ज्योति SDM बनने के बाद किसी और के साथ संबंध में थी।